तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ सैमसंग गैलरी ऐप के नए अपडेट के बारे में। नए अपडेट्स के साथ क्या नए चेंजेस किए गए और क्या क्या नया अपडेट उसमें और आया है, सब आपको आगे बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो ताकि ऐसी नई अपडेट यार सबसे पहले आपको मिले। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको बता रहा हूँ सैमसंग गैलरी के नए अपडेट के बारे में। तो उसके लिए आप चाहे तो अपने गैलरी ऐप में भी जा सकते हैं, चाहे तो आप गैलेक्सी स्टोर में भी जा देख सकते हैं। अगर आपके पास गैलेक्सी स्टोर में जाएं, गैलेक्सी स्टोर में जाने के बाद आपको जाना है माय अपडेट्स वाले ऑप्शन में या मेन्यू में जाके अपडेट्स वाले सेक्शन में चले जाना है। वहां जाके आप देखेंगे आपको एक नया अपडेट यहां पर अवेलेबल मिल रहा होगा। आप देखेंगे नया अपडेट यहां पर अवेलेबल, नीचे की तरफ देखेंगे तो इस अपडेट को कब रोल आउट किया गया, 11 अगस्त 2023 को रोल आउट किया गया, जिसका वर्जन नंबर इज 14.5.01.2, जिसका साइज है 33 MB का। ये मेरे पास अपडेट आज ही के दिन आया है। जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ, कुछ ऐप्स के जो अपडेट्स होते हैं ना, वो ऐसा होता है कि सबसे पहले प्रीमियम फोन्स में, फिर फ्लैगशिप फोन में, फिर सबसे नीचे वाले फोन में, ऐसे करके सबको रोल आउट होता है। तो ये मेरे पास आज आया है, हो सकता है आपके पास पहले ही आ गया, हो सकता है आपके पास नहीं भी आया। अगर आपके पास यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी या गैलेक्सी स्टोर पर नहीं दिख रहा है तो आपको यहाँ जाना है अपनी गैलरी में। गैलरी में जाने के बाद यहाँ जाना है डॉट्स पर, यहाँ जाना है सेटिंग्स पर। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको जाना है यहाँ पर अबाउट गैलरी में, तो आपको यहाँ पर एक नया अपडेट्स यहाँ पर अवेलेबल मिल रहा होगा। तो बाय डिफॉल्ट आप उसको वहाँ पर अपने वहाँ ले जाएंगे। अब यहाँ पर काम करें दोस्तों, क्या अपडेट में क्या दिया गया है। जैसा कि यहाँ पर लिखा है कि अपडेट में सिर्फ फिक्स के बग को फिक्सड किया गया है, बट जब भी मैं बोलता हूँ, जब भी कोई नया अपडेट आता है तो नए अपडेट के साथ कुछ ना कुछ नए चेंजेस किए जाते हैं। बग फिक्स और इम्प्रूवमेंट तो 100% किया ही जाता है। तो फाइनली दोस्तों आप देखेंगे अपडेट हो चुका है। अपडेट करने के बाद यहाँ पर आप इसको ओपन करेंगे, जैसा कि यहाँ पर लिखा है सिर्फ बग्स फिक्स आउट किए गए, बग्स के साथ इसकी परफॉर्मेंस को भी इम्प्रूव किया जाता है। अगर आपको कुछ बग्स लग रहे होंगे सैमसंग गैलरी में तो वो आपके क्लियर हो जाएंगे। लाइक आपको हैंगिंग की प्रॉब्लम आ रही होगी जब फोटोज़ को आप स्क्रॉल कर रहे होंगे, या एनी अदर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही हो, सब यहाँ पर सॉल्यूशन होगा। जैसा कि मैंने यहाँ पर इसको ओपन कर लिया, तो फाइनली दोस्तों ये अपडेट हो चुका है। अपडेट करने का जब भी आप इसको ओपन करेंगे और अगर आप इसकी परफॉर्मेंस देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि परफॉर्मेंस में यहाँ पर इम्प्रूवमेंट हुआ है। मस्त यहाँ पर यह चल रहा है, कोई भी यहाँ पर आपको लैगिंग नहीं मिल रही है। यहाँ पर यह मस्त तरीके से यहाँ पर एक गैलरी ऐप यहाँ पर आप चला सकते हैं और एक मतलब हर कुछ अच्छा सा चल रहा है। ऐसा नहीं कि कुछ आपको प्रॉब्लम हो, मस्त यहाँ पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप इसमें जाएंगे एल्बम्स वाले में, तो जितनी भी आपकी एल्बम्स होंगी सब आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। एल्बम्स में यहाँ स्टोरीज में जाएंगे, सब आपको स्टोरी मिल जाएंगी। कुछ नए जो क्रिएट होंगी वो मिल जाएंगी। एल्बम में जाएंगे, माय व्यू ऑल में जाएंगे तो यहाँ पर कुछ नया जो स्क्रीनशॉट होगा वो आपको यहाँ पर अलग से बता रहा होगा। ओवरऑल दोस्तों इस अपडेट में कुछ नया चेंजेस नहीं किए गए, बट इसकी परफॉर्मेंस और इसको इम्प्रूवमेंट किया गया। तो आपको हमेशा इसको अपडेट करना चाहिए ताकि आपकी गैलरी यहाँ पर अच्छे से रन हो सके और आप अच्छे से इसको यूज़ कर सके। अगर मान लो आपको कोई कॉलाज वॉलाज भी बनाना है तो आप यहाँ पर डायरेक्टली क्लिक करें, यहाँ पर थ्री डॉट्स पर जाके या फिर क्रिएट पर क्लिक करके आप इसमें कॉलाज भी क्रिएट कर सकते हैं, मूवीज बना सकते हैं, GIF बना सकते हैं, कॉलाज बना सकते हैं और सेव एज पीडीएफ भी यहाँ पर आप कर सकते हैं। उसके बाद अगर यहाँ पर आप एडिटिंग पर जाए तो आपको यहाँ पर एडिटिंग के भी ऑप्शन मिल जाते हैं सैमसंग गैलेक्सी में। सैमसंग गैलरी के अंदर में आपको रोटेट वोटेट करना हो तो रोटेट भी यहाँ से कर सकते हैं। साइज वाइज यहाँ पर मेंटेन करना है तो आप यहाँ पर साइज भी चेंज आउट कर सकते हैं। उसके बगल में एंगल को चेंज आउट करना है तो एंगल भी चेंज कर सकते हैं। फ्रीली में जाएंगे तो फ्री यहाँ पर कुछ अलग से कर सकते हैं। यहाँ पर आप जाएंगे तो उसको राउंड शेप में आप यहाँ से काटना चाहें, जैसा कि आपको इसमें से खाली फोटोज़ को करना है अलग, तो आपको यहाँ राउंड कर लेना है कि आपको कितना कितना करना है। वो ऑटोमेटिक उसको कैप्चर कर लेगा, जैसा कि आप देख रहे हैं वो ऑटोमेटिक उसने कैप्चर कर लिया है। और आप यहाँ पर उसको नेक्स्ट करके उसको काट सकते हैं, जैसा कि मैं नेक्स्ट करूँ। आप यहाँ से सिर्फ आपका ऑब्जेक्ट भी यहाँ पर निकाल सकते हैं। अगर आपको ऑब्जेक्ट ही निकालना है तो आप यहाँ से अपना ऑब्जेक्ट को भी यहाँ पर निकाल सकते हैं ताकि आप इसका यूज़ कहीं भी कर सकें। बाद में आप उसको डन कर देंगे। डन करने के बाद आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, मतलब आप ऑब्जेक्ट भी यहाँ पर निकाल सकते हैं या बोल सकते हैं बैकग्राउंड को भी रिमूव कर सकते हैं बहुत इजीली। आप इसमें बैकग्राउंड को भी इरेज कर सकते हैं और कुछ प्रॉब्लम्स होंगी वो यहाँ पर एक्टिफिकेशन हो गई। उसके बाद जाएंगे यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पे, तो यहाँ पर आपको फिल्टर्स मिल जाएंगे। प्री इंस्टॉल इतने सारे फिल्टर्स हैं, सब आपको मिल जाएंगे, सब आप यहाँ पर फिल्टर्स को ऐड ऑन कर सकते हैं। उसके बाद जाएंगे यहाँ पर आपको मिलेगा लाइट बैलेंस, ब्राइटनेस, ये सब चीज़ें आप यहाँ पर सेट आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट में जाएंगे, अगर आपको कुछ ड्रॉ करना है ड्राइंग रिलेटेड, वो सब चीज़ें यहाँ पर ऐड ऑन कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप क्लिकेंगे सब ऑटोमेटिक वो एडजस्ट कर लेगा कि क्या आपको ब्राइटनेस चाहिए, कितना आपको फिल्टर चाहिए, सब ऑटोमेटिक सेट आउट करके वो ले लेगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये सेव, आप उसके बाद यहाँ पर आप सेव कर सकते हैं।
तो आप देख सकते हैं, आप इस किसी भी फोटो से इस तरीके से बैकग्राउंड को हटा सकते हैं। तो सबसे पहला क्या है, ये चीज़ें आप इसके अंदर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कॉलाज बनाना है तो कॉलाज बना सकते हैं, या वीडियोस में कुछ और कुछ करना चाहें तो आप वीडियोस को भी एडिट यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर आपको प्लस में जाएंगे, प्लस में जाने के बाद क्रिएट का ऑप्शन मिल जाएगा, आप क्रिएट पर क्लिक करके GIF MOEF ये सब बना सकते हैं। PDF क्रिएट करना चाहे PDF क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ 3 डॉट्स पर जाएंगे, यहाँ पर आपको वीडियोस देखनी है तो वीडियोस देख सकते हैं। यहाँ पर जाएंगे फेवरेट, जो भी आपकी चीज़ लगा कर रखी वो दिख जाएगी। यहाँ पर रिसेंट में जाएंगे, जो भी रिसेंट में होगा सब दिख जाएगा। यहाँ पर सजेशन में जाएंगे तो सजेशन आपको मिल जाएंगे पोर्ट्रेट इफेक्ट के और ये सब चीज़ों के। यहाँ पर आपको जाएंगे लोकेशन से रिलेटेड चीज़ें मिल जाएंगी लोकेशन वाइज। यहाँ आप जाएंगे उसके बाद शेयर्ड एल्बम मिल जाएंगी, जो भी आपने शेयर करके रखी हुई है। रिसाइकल मेन में जाएंगी, जो भी डिलीट करा हुआ है। और सेटिंग्स में जाएंगे तो पूरी यहाँ पर सेटिंग्स यहाँ पर खुल जाएंगी। बाय डिफॉल्ट इस तरीके से आप यहाँ पर इसका यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत ही यूज़फुल है। इसके ये कैलरी ऐप पे आप बहुत मज़ा आएगा आपको इसको यूज़ करने में। मेरे को तो डेफिनेटली बहुत मज़ा आता है इसको यूज़ करने में। तो दोस्तों ओवरऑल इसमें इसका गैलरी का आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव किया गया है, सिक्योरिटी को इम्प्रूव किया गया है, स्मूथनेस करी गई है ताकि आप इसको अपनी गैलरी ऐप को ईजिली और स्प्रेडली चला सकें, और नया फीचर कुछ भी ऐड ऑन नहीं किया गया है। उम्मीद है कि दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, और अगर आपको लगता है कुछ कमी है मेरी वीडियो में तो डिसलाइक भी सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप मुझे डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर डायरेक्टली इंस्टाग्राम या फेसबुक पर DM करके भी पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज़, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिस बेल आइकन दबा दो ताकि ऐसी नई अपडेट यार सबसे पहले आपको मिले।